नमस्कार प्यारे किसान साथियों, जय श्री राम, जय बलराम। आज बड़े सौभाग्य का दिन है मेरे लिए कि मेरे परम मित्र आदरणीय लोकेश जी आजना इंदौर जिले से है और आज ये मेरे प्लॉट पर आए हैं। कुछ भ्रांतियां जो चल रही थी NRC 150 को लेकर, हम आज इनसे जानेंगे ये वैरायटी इनको कैसी लगी, कैसा इसका परफॉर्मेंस है, जो लोगों ने जो इसके बारे में कुछ जो अफवाह फैलाई है क्या वो सही है। और मैं इस वीडियो के माध्यम से भी लोकेश जी से निवेदन करूंगा कि अगर जो भी इसमें खामी हो बताइए, जो अच्छाई हो बताइए, और वैरायटी आपको अच्छी नहीं लगी हो तो अच्छी मत बताइएगा। इन्होंने बहुत सारी वैरायटियों का निरीक्षण किया, मैंने अभी इनको लगभग 10 से 15 वैरायटियां दिखाई है। और लोकेश भैया पहला अपना परिचय दीजिए। मेरा नाम लोकेश आन्ना है और मैं इंदौर जिले सावर तहसील से बिलोंग करता हूँ। आप सर? मेरा नाम गौरव यादव है, इंदौर जिले से बिलोंग करता हूँ। संदीप आन्ना, गाँव खामोद आन्ना। अरुण आन्ना, ग्राम खामोद आन्ना। अनुज आन्ना, गाँव खामोद आन्ना। तो लोकेश भैया, ये वैरायटी अभी मैंने आपको 13 इंच वाला भी प्लॉट दिखाया और आप 24 इंच वाला भी प्लॉट देख रहे हैं, और आपने भी अन्य भी वैरायटी जो देखी है दूसरी भी। हाँ जी जी, आपको ये वैरायटी कैसी लगी? ये वैरायटी हमें सबसे ज्यादा पसंद आई है जी, क्योंकि इसकी खासियत ये है कि जैसे हमने पास ही में एक खेत देखा, उसकी सीड रेट काफी ज्यादा है इसकी तुलना में जी, वो जो दिख रहा है जी, और इसका सीड रेट उसकी तुलना में काफी कम है जी। इसकी जो लाइन से लाइन की दूरी है वो भी 26 इंच आई है, आपने 24 इंच से बोला था वीडियो में जी, हमने अभी मेजर भी करा है। हाँ, वो कुछ 24 आती है, कुछ 26 आती है। हाँ, लेकिन 26 हमें अभी प्राप्त हुई है, हमने मेजर करा तो जी। उसके बाद इसकी ऊंचाई इतनी लाइन से लाइन की दूरी होने के बाद भी 32 इंच ऊंचाई भी आई है इसकी। उसके बाद फल तो हमें बहुत ही अच्छा दिख रहा है, और अर्ली मेच्योरिटी में इससे ज्यादा हाइट देने वाली मेरे हिसाब से और कोई अन्य वैरायटी नहीं हो सकती। मैं चाहता हूँ आप एक पौधा उखाड़े अंदर से जी। अब जी जी, अब मैं आपसे एक निवेदन करूंगा कि कितनी फलियां इसमें, जो भी एक कुछ भ्रांतियां चल रही है। तो क्या हमें तो वो जो एक वीडियो जो आया था जी, तीन फली वाला। हाँ, तो उसमें तो क्या तीन फली से तो बहुत ही ज्यादा दिख रही है। और ये आपने बीच खेत में से उखाड़ा है? हाँ, ये रेंडमली पौधा उखाड़ा है हमने जी, कोई विशेष चुन के नहीं उखाड़ा है जी। सभी पौधे ऐसे ही दिखेंगे या इससे बढ़कर होंगे जी। और ये अर्ली मेच्योरिटी में इतनी हाइट और इतना फल लेना मेरे हिसाब से एक वरदान साबित होगी जी जी। ये NRCS का बहुत, जो NRC 7 के बाद ये जो वैरायटी है, हम कह सकते हैं कि ये चलेगी। NRC 7 की आदत ताजा यही वैरायटी करेगी जी फल के मामले में जी। अभी आपके पास टेप भी है। हाँ, तो मैं चाहता हूँ कि हम माप के दिखाएं। लोग मानते नहीं है कि इतनी हाइट आती है, जो लाइन से लाइन की जो दूरी है। ये हम बीच खेत में है, ये पौधे से पौधे की दूरी अपन को लाइन से लाइन की लेना है। अपन को लाइन से लाइन की, यहाँ से अपन को ली है, ये देखिए लगभग यहाँ तक ले लो आप। 25 इंच, 26 इंच, 24 इंच, जैसा भी हो तो ऊपर ही ऊपर है जी 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 जी। यू ही दिख रहा है अपन को, काफी डिस्टेंस है जी, अपन तो 14। और ये अब मैं आपसे थोड़ा सा निवेदन करूंगा कि थोड़ा बहुत आप इसको अपन बीच में अपन किसान भाइयों को दिखाएं। देखो कहाँ भी देख लो, हर जगह, एक ही जगह नहीं, पूरे खेत में आप कहाँ पर भी आकर विजिट भी कर सकते हैं जी। अनंत फल दिखेगा, तीन फली तो कहीं से कहीं तक नहीं दिखेगा जी जी जी। पूरी तरीके से वो वीडियो गलत था, उसी के देखते हुए हमें यहाँ आना पड़ा। हाँ, आप आए, आपने बोला तो मैंने बोला कि आप जरूर आइए, और आप खुद यहाँ पर आके पोस्टमार्टम कीजिए। और मैं हमने भी ऐसी वैरायटी आज तक नहीं देखी। अच्छा, और कम दिन में? कम दिन में, वही मेन चीज वही, अर्ली मेच्योरिटी में इतना फल और इतनी हाइट लेना जी, ये एक वैरायटी वरदान ही साबित होगी। अच्छा, अन्य जो भी आपने किस्म देखी है उसकी तुलना में ये वैरायटी कहीं से कहीं हल्की तो नहीं है? कहीं भी हल्की नहीं है, नंबर एक पर यही है। अच्छा अच्छा, और बाकी कोई किसी प्रकार की बीमारी इस वैरायटी में? बिल्कुल स्वस्थ फसल दिख रही है हमें जी, किसी प्रकार का कोई रोग नहीं दिख रहा, ना ही किसी प्रकार की फंगस वगैरह कुछ नहीं दिख रही जी जी। और इतनी दूरी और इतनी कम सीड रेट होने के बाद भी पूरा खेत एक दिशा कवर हो चुका है। आपने मेरा 13 इंच वाला भी प्लॉट देखा है, वो कैसा लगा आपको? वो उसका परफॉर्मेंस भी बहुत बढ़िया है जी, 13 इंच पर भी वो आड़ा नहीं पड़ा जी, और ग्रोथ उसकी बहुत अच्छी है, और फल 13 इंच के बावजूद भी उसमें अच्छा है जी जी जी, बहुत अच्छा फल है उसमें भी जी, और बिल्कुल स्वस्थ फसल है और बहुत दम है इस वैरायटी में। जो अभी एक कुछ मिसकंसेप्शन जो चलाया है लोगों ने, गलतफहमी जो चलाई है, वो वीडियो हमने भी, आप
उस वीडियो के बारे में क्या कहना चाहते हैं? बिल्कुल ही झूठ है वो वीडियो, हम नहीं मानते क्योंकि हमने जल भराव वाला खेत भी देखा है जी, जहाँ पर काफी समय तक पानी भी भरा रहा होगा जी, और वहाँ पर भी यही पोजीशन है, बहुत अच्छी फसल है जी, तो हम उस वीडियो को बिल्कुल ही नकारात्मक मानते हैं जी, वो एक झूठ है। देखिए इसमें क्या है कि हाँ, कुछ लोग जैसे इसका जो एक मदर पेरेंट है वो जैस इंद्रियाणु भवन एक वैरायटी आती थी जैस की, जो बहुत ज्यादा चलती थी, उससे इसका क्रॉस किया हुआ है। तो एक जेस का जो क्रॉस होने के से हमको ये फायदा मिला है कि वाटर होल्डिंग जो इसकी कैपेसिटी है, जैसे मैंने आपको एक नमी वाली जगह में दिखाया है, वो बहुत अच्छी है और इसकी हाइट भी उसके कारण और ब्रांचिंग दोनों अच्छी है, दोनों अच्छी है। तो, बहुत अच्छी तो लोकेश भैया मेरा निवेदन है कि आप एक और प्लांट उखाड़िए, हमको किसान भाइयों को सच्चाई दिखानी जी, रेंडमली कोई सा भी पौधा उखाड़ूंगा जी जी, ऐसा नहीं कि अपन एक विशेष चुनकर ही उखाड़ेंगे जी जी, क्योंकि हम तो यहाँ पोस्टमार्टम करने ही आए हैं जी जी। और देखो आप इतनी दूर से आते, बहुत सारे किसान भाई इतनी दूर आ नहीं सकते हैं। ये पौधा झुका हुआ इसलिए कि इसकी लाइन से लाइन की दूरी काफी जी है। जी ज्यादा है, तो पहले फैलाव करा फिर उठाए जी। ये देख लो ये ब्रांचिंग इसकी, ये फल ऊपर तक दिखेगा आपको, और अभी भी कुछ कर बनने सेटिंग होना बाकी है, जैसे यहाँ पर ये आ रहे हैं, यहाँ पर ये आ रहे हैं, ऐसे वैसे ये कुछ फल भी दिख रहे हैं जी जी जी, फूल भी दिख रहे हैं और पपड़ी अधिकतर बन चुकी है, अर्ली मेच्योरिटी है मेरे हिसाब से 26 जून की बोनी है ये जी, ये आना स्टार्ट हो चुका है जी जी, ये सेमी डिटरमाइन वैरायटी है, इसको सेमी डिटरमाइन वैरायटी क्या करती है कि यहाँ से पहले फूल आते हैं, फलियां बन जाती है, फिर फूल आते हैं, फिर फलियां बनती, ऐसे चलता रहता, और दूसरी जो वैरायटी रहती है उनमें एक साथ फूल आते हैं और एक साथ फिर हाइट रुक जाती है, ये इसकी खासियत क्या है, हमें कभी कुछ विपरीत मौसम के कारण उसमें नुकसान उठाना पड़ता जी जी जी, कि फूल आने के समय अगर जमीन में पर्याप्त नमी नहीं है जी, तो काफी नुकसान होता है जी जी जी, और इस प्रकार की वेराइटियों में हमें ऐसा नुकसान नहीं होता जी जी, जब नमी रहेगी फिर फूल चालू हो जाएंगे जी, तो काफी वरदान साबित होगी जी जी। बहुत बहुत धन्यवाद आपको लोकेश भैया, आज आप हमारे खेत पे आए, और इसीलिए मैं जो 95-60 के दीवान है हमारे गांव की टीम जी, उन सबको मैं लेके आया कि आप इसकी तुलना 95-60 से करो जी जी, तो आपको हार्वेस्टर से आसानी से कट जाएगी ये वैरायटी, और शटरिंग का इसमें कोई इशू नहीं है, बहुत आसानी से ये अपने पौधे से इतनी 5 इंच से ऊपर ही ऊपर फल जी, लिया है बिल्कुल, इसने बिल्कुल, तो हार्वेस्टिंग में तो बहुत बेस्ट है जी सर जी, कोई दिक्कत ही नहीं आएगी जी जी। तो बहुत बहुत धन्यवाद लोकेश भाई आपको, ये अंदर के कुछ आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो किसान मित्रों इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, और अभी तक आपने यदि चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बने रहें हमारे साथ प्याज की उन्नत खेती यूट्यूब चैनल पर।